योग गुरु बाबा रामदेव पर आ रहे नए टीवी सीरियल को लेकर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम सीधे रुख करेंगे इस प्रेस वार्ता का। हर्ष के रूप में मैं भी कभी देखा जाऊंगा और डिस्कवरी जीत का स्लोगन ही इन्होंने रखा है मुमकिन। और जब मैं अपने जीवन को देखता हूं, संघर्षों, चुनौतियों, संकटों, अभावों के अंधेरों, जाति के जहर, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक सामंतवाद के दंभ भरे, अहंकार भरे प्रहार और तिरस्कार के बीच कब जिंदगी के लगभग ये 50 वर्ष बीत गए और इस जीवन के लगभग अर्ध शतक में कभी मैंने हिम्मत नहीं हारी। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, ये मेरे जीवन के दो मंत्र रहे। 7 बार तो मैंने मौत को करीब से देखा। 2-3 महीने की उम्र में ही जब पैरालिसिस हुआ, करीब 20-25 फीट ऊंचे मकान से जब नीचे गिरा और सिर में 7 टांके लगे, किसान के परिवार में सामान्य गरीब घर में पैदा हुआ, भैंस चराते हुए जब जंगल में था और एक भैंस के साथ ही पूछ पकड़े हुए तालाब में घुस गया, पता नहीं था कि डूब जाते हैं गहरे पानी में। पास में ही शमशान था और उस कब्रिस्तान में ही मुझे वो क्षण याद है बचपन का, जब गांव के एक व्यक्ति ने मुझे डूबते हुए कुछ 6-7 डुबके लगाने के बाद बाहर निकाला और उल्टा करके पानी बाहर निकला। जब मां के साथ बहुत क्रूरता करते थे, अपने ही खून के रिश्तों में चाचा ताऊ लगने वाले लोग, तब तक मैं थोड़ा बड़ा हो चुका था और मां के साथ उस क्रूरता को नहीं देख पाया, तो मैंने थोड़ा सा साहस दिखाया तो जिनको खून के रिश्ते कहे जाते हैं, वो जब कातिल बनकर के एक बार हल जोतते हुए मुझ पर वार करने के लिए पहुंच गए। हरिद्वार में आने के बाद कुछ ऐसा षड्यंत्र हुआ कि एक बार कम से कम 50 से ज्यादा लोगों ने मुझे बुरी तरह घेर लिया और जब मैंने देखा कि ये तो आज मार ही डालेंगे, शायद मीडिया को पहली बार इस डिस्कवरी जीत के माध्यम से पता लगेगा, तब मैंने प्राण रक्षा के लिए इस पादत त्राण को अपने त्राण के लिए मैंने तान दिया और शायद कभी मैंने भी नहीं कहा था इस बात को, जब लेकिन बात आई तो फिर मैंने ये पूरी घटना बताई। कुड़की क्या होती है ये 25 साल पहले हमको पता लग गया था। मेरे पास एक झोला होता था, मैंने कहा भाई अब झोले की कुड़की क्या करोगे, ना मेरे पास कोई पहले जमीन थी ना आज है। कुड़की के आदेश हो गए बाद में, खैर उस वकील के साथ वो कोर्ट में हमारा समझौता हो चुका है कई साल पहले, वो केस खत्म हो चुका है। करीब 50 लोगों ने घेर लिया था और उस दिन मौत का इंतजाम पूरा था और 25 साल पहले ही आयुर्वेद में
विष चिकित्सा के अंतर्गत आर्सेनिक संख्या अस्थमा के लिए प्रयोग होता है, उस समय हम प्रयोग करते थे, हमने संख्या शुद्ध किया गाय के दूध में, वो बर्तन भूल से छत पर रह गया और उसमें दूध उबाल करके मैंने पी लिया, क्योंकि लगभग 18 साल तक मैंने अन्न का सेवन नहीं किया था और वो दूध से इतना मेरे शरीर में फिर जहर फैल गया, क्योंकि एल्युमिनियम का पात्र था और उसमें दूध जब उबाला गया तो पूरे शरीर में आर्सेनिक का प्रभाव हो गया। लगभग ये भी 25 साल पहले की घटना है और मुझे सैकड़ों उल्टियां हुई थी, वो शायद मेरी जिंदगी में बचपन के बाद पैरालिसिस वह रामकृष्ण हॉस्पिटल में मैं भर्ती हुआ। उदम्बर गोलर के पत्तों का रस फिर मैंने कई दिनों तक पिया करके वो आर्सेनिक का रस मेरे जहर मेरे शरीर से निकला। और तब से फिर हमने आर्सेनिक प्रयोग करना ही बंद कर दिया आयुर्वेद में, संख्या का हम प्रयोग ही नहीं करते, यद्यपि आयुर्वेद में विष चिकित्सा है लेकिन हम प्रयोग नहीं करते। रामलीला मैदान को तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। 7 बार मौत को करीब से देखने के बाद मुझे भगवान के विधान, भगवान की न्याय व्यवस्था और जीवन की नश्वरता और अंदर एक संकल्प पैदा हो गया कि मरना तो एक दिन है, जाना तो एक दिन है, लेकिन जाने से पहले भारत माता का जो मुझ पर खर्च है, उस कर्ज को, उस फर्ज को मुझे चुका करके जाना है। यह तो हजारों सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक संघर्ष मैंने देखे, लेकिन आज जब मेरे बारे में बात होती है तो मेरी सफलता की बात होती है। संघर्ष कहीं दब जाते हैं, सफलता और इस साम्राज्य के पीछे जो संघर्ष हैं उनको उभारने की और उससे मेरे देश के लोगों को प्रेरणा मिले, ये प्रस्ताव लेकर के डिस्कवरी जीत की टीम मेरे पास आई, भाई करण जी और इनके लोग। पहली बार तो मैंने ना कर दिया था क्योंकि मेरी कहीं आत्मश्लाघा हो, ये मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है। अब भी जब भी कभी कोई मेरी सफलता की बात करता है, मेरी उपलब्धियों की बात करता है तो मेरा सिर झुक जाता है, क्योंकि सेकेंड हैंड बुक लेकर के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना और उन धूल भरी गलियों से जहां के बच्चे सपने भी नहीं लेते हैं बड़े, वहां से जीवन के इस मुकाम तक आना, मुझे ऐसा लगता है पूज्य आचार्य बाक्षण जी जैसे मेरे वो सखा, मैं जिनके बारे में कहा करता हूं कि काम वो करते हैं नाम मेरा हो जाता है, दुनिया में स्थापित सत्यों के खिलाफ मैंने जीवन में अनुभव किया। लोग कहते हैं जमाना साथ नहीं देता, मैंने जीवन के हर संघर्ष में, हर संकट में पूज्य आचार्य बाक्षण जी का, और एक मेरे साइलेंट सखा है पूज्य मुक्तानंद जी, हम लोग पिछले लगभग 30 वर्षों से साथ में, इन्होंने साथ नहीं छोड़ा। देश की जनता ने मुझ पर भरोसा किया, मीडिया ने मुझे ताकत दी, हर विवाद को और हर विरोध को मैंने अपनी ताकत बनाना सीखा और आज मैं भाग्यवादी नहीं, मैं पुरुषार्थवादी व्यक्ति हूं। मैंने कभी शनि केतु राहु भूत प्रेत शुभ अशुभ मुहूर्त नहीं देखा, मैंने हस्तरेखाएं नहीं देखी। लोगों ने मेरा हाथ देकर के कहा कि तुम्हारे हाथ में तो भाग्य रेखा ही नहीं है, मैंने कहा मैं भाग्य पर विश्वास नहीं करता, मैं तो इसी में अपना सौभाग्य मानता हूं कि मेरा जन्म भारत भूमि पर हुआ है, जहां कोटि कोटि ऋषियों ने जन्म लिया, गौतम कणाद जमने पाणिनि पतंजलि स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद मेरे प्रेरणा,
चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह महाराणा प्रताप छत्रपति शिवा की कहानियां बचपन में सुनकर के मैं बड़ा हुआ और यही कि मन में भाव था कि इन सब महापुरुषों के दो हाथ हैं तो मैं भी जीवन से दो दो हाथ करूंगा और आगे बढ़ूंगा। आज भी मेरी यात्रा रुकी नहीं है, मैंने 50 वर्षों का एक मास्टर प्लान बनाया हुआ है कि 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को मुझे शिक्षा और संस्कार देकर के उनको विश्व नागरिक बना करके मुझे जाना है। जिन विदेशी कंपनियों के सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाता था, बहुतों को हमने परास्त किया है, बहुतों का शीर्षासन कराया है, अभी कुछ का मोक्ष बाकी है। लोग कहते थे स्वदेशी ये तो पाषाण युग की बात हो गई, आप आधुनिक युग में हो। मैंने कहा मैं आध्यात्मिकता और आधुनिकता को साथ साथ लेकर के आगे बढ़ूंगा, वेदों का ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को साथ लेकर के आगे बढ़ूंगा। और आज लाखों लोगों का कारवां तो प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ खड़ा है जिनको हमने रोजगार दिया है, करोड़ों लोगों का समर्थन और देशवासियों का प्यार, उसके बल पर आज हम यहां पहुंचे हैं। आगे एक लंबी यात्रा है और मैं चाहता हूं कि मेरे देश की वो धूल भरी अंधियारी भरी गलियों में खेलने वाले बच्चे भी मुझ जैसे अकिंचन फकीर से यदि कुछ सीख सके कि भगवान ने बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के सबको समान रूप से आगे बढ़ने की ताकत दी है, हर एक व्यक्ति महान हो सकता है और हम सब की महानता से मेरा भारत महान हो सकता है, तो कुछ और लोग प्रेरणा लें और योग आयुर्वेद स्वदेशी और वैदिक संस्कृति का एक दुनिया में झंडा गाड़ने का भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया, उसके लिए निमित्त बनाया, वो साहस औरों में भी जगे, वो संघर्ष करने की ताकत और भी लोग पाएं, इस संकल्प के साथ जीत को जो मेरी आत्मकथा, मुझे तो बायोपिक नाम बहुत बाद में पता लगा ये होती क्या है, वो जो प्रसारित कर... लगभग 17 साल, क्योंकि मेरे जीवन का सबसे बड़ा कैंप वहीं पर था, तो 17 साल स्टेडियम में ही आदरणीय श्री राजनाथ जी, आदरणीय श्री अरुण जेटली जी, आदरणीय श्री अमित शाह जी, आदरणीय श्री हमारे रविशंकर जी, इनकी उपस्थिति में और इसकी स्क्रीनिंग रखी है 4 से 6 और 12 तारीख से स्वामी रामदेव का संघर्ष जो लॉन्च हो रहा है उसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं चाहता हूं कि ये डिस्कवरी जीत पर कोई स्वामी रामदेव की जीत दिखाना मकसद नहीं, जीतने के पीछे एक संघर्ष होता है, वो संघर्ष सब सीखें, इस संकल्प जीत की टीम में कुछ लोग, एक छोटा बच्चा है चंदन, नमन जो मेरे बचपन का रोल कर रहा था, और क्रांति जो मेरा जिस रूप में आज मैं आपको दिखता हूँ वो रोल कर रहा है, उनको भी मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। आइए आइए, तो तुम्हारी दाढ़ी थोड़ी बढ़िया जम रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और पूज्य आचार्य भाषण जी के बिना तो मेरे जीवन की कहानी अधूरी है, तो उनका भी बचपन से लेकर के आज तक मेरे साथ का जो संघर्ष है वो भी इसमें प्रदर्शित कर रहे हैं लोग, तो मुझे विश्वास है कि सबका आत्मविश्वास इससे जगेगा। और आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, आज हमारे मीडिया के
सीनियर जर्नलिस्ट भी अभी इस पूरे मेरे जीवन की इस योग यात्रा को स्वर देने के लिए, शब्द देने के लिए कुछ आ चुके हैं, कुछ अभी और वन टू वन एक आधा आधा घंटे का प्रोग्राम करने के लिए आने वाले, उनको भी मैं शुक्रिया कहता हूं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं। बाबा जी, एक सवाल इधर से। मैं कुंदन हूं और न्यूज 24 से, और कई सालों से हम लोग भी कवर कर रहे हैं आपको, तो एक हम लोगों का भी यात्रा है आपके साथ पिछले 10 साल। इसलिए मैंने कहा कि मीडिया ने मुझे ताकत दी है, जो बात में सैकड़ों या हजारों लोगों तक पहुंचा सकता था उसको पहले लाखों और बाद में करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। और योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का जो ये सफलता का अभियान है, इसमें आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने पहले, मेरा सवाल ये है कि आप योग बाबा के तौर पे जाने जाते थे, बाद में फार्मेसी के जो आयुर्वेद के तरह से आए, फिर पूरा एक व्यवसाय के रूप में देखा गया, खेल से पहले से जुड़े हैं, शिक्षा में काम कर ही रहे हैं, अगला पड़ाव क्या हम राजनीति के रूप में देखें क्या, क्योंकि ये भी एक वक्त आ गया है कि, या कई बार आप भी अपने अलग अलग मंचों से सवाल उठाते हैं कि शुद्धिकरण की जरूरत यहां भी है, या जो मौजूदा एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम वो ठीक है? राजनीति मेरे लिए राष्ट्र धर्म है, वह आपद धर्म है, क्योंकि देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। लेकिन मैंने पहले ही कहा है, मैं कभी भी कोई राजनीतिक होदा नहीं लूंगा, और यह मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। लेकिन मेरा देश सदा सुरक्षित रहे, यह मैं अवश्य चाहूंगा। इसके अलावा कोई राजनीतिक सपना जीवन का नहीं है। आगे का भी जीवन और जीवन का एक एक पल मैं देश की सेवा में गुजारूंगा। कुछ हासिल करने का न पहले मकसद था न आज। स्वामी जी, मनोज टिबड़ेवाल आकाश मेरा नाम है, मैं आपका एक मुलाकात में इंटरव्यू भी कर चुका हूं जब आप भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान। आप लगातार यह कहते रहे कि मैं आत्म प्रशंसा से बचना चाहता हूं, और मैंने देखा भी है काफी नजदीक से। अभी आपने कहा कि ये हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस कदम से, एक सराहनीय कदम है, इससे युवा पीढ़ी काफी कुछ सीखेगी, इतिहास में लोग जानेंगे कि कौन स्वामी रामदेव जी थे। आपने कहा था कि मैं अनपढ़ माँ बाप का बेटा हूं और साइकिल से चलाकर स्कूल जाता था, लेकिन जब ऐसा एपिसोड आएगा, तो बाद में आई थी पैदल ही चल के जाता था। तो जो आलोचक होंगे वो कहेंगे कि बाबा जी की आत्म प्रशंसा भरा ये कदम है, उनको क्या आप जवाब देंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि ये स्वामी रामदेव और पतंजलि का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं है, ये डिस्कवरी जीत को अपने प्रोग्रामिंग के लिए शायद स्वामी रामदेव एक संघर्ष, इनको एक अच्छा विषय लगा होगा, इसके बारे में तो यही लोग ज्यादा बता सकते हैं। तो ये इनकी चॉइस है, ये ना मेरी चॉइस है ना ये पतंजलि के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। हमने तो जानबूझ करके, यद्यपि हम जीसी चैनल्स को, न्यूज चैनल्स को और अखबारों को भी पतंजलि का विज्ञापन देते हैं, हमने तो इनको विज्ञापन तक नहीं दिया कि लोग कहेंगे कि शायद ये विज्ञापन के रूप में ही बजट दे रहे होंगे। तो ये इनको शायद मेरे जीवन की कहानी में कुछ ऐसी प्रेरणा लगी होगी कि नया चैनल लॉन्च कर रहे हैं, तो इनको लॉन्चिंग के लिए स्वामी रामदेव पसंद आए होंगे। बाकी इसमें आत्मश्लाघा का कोई प्रश्न ही नहीं है। और यद्यपि बड़ा कठिन होता है, हमारे देश में जैसी व्यवस्था है, जातियों का जहर, मैंने कहा एक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक संघर्षों के बीच में किस तरह से आप आगे बढ़ते हो, मैंने कहा वो प्रहार और तिरस्कार मैंने सहे। उसमें मैं ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि कहानियां इन्होंने सत्य ली हैं, लेकिन उसमें कुछ पात्रों के नाम जरूर इन्होंने बदले हैं, ये मैं आज ही बोल देता हूं। तो हो सकता है कुछ विवादों से मैं बच जाऊंगा। जीते जी साहब, ये सब कहानियां दिखाना ये एक और संघर्ष को आमंत्रण देने जैसा है। और मुझे लगता है कि ये करीब कितने एपिसोड हैं इसके, 65 एपिसोड डिजाइन किए हैं। इसमें बीच में विवाद भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं लगता है, और विवाद और विरोध के बीच में तो यहां पहुंचा ही हूं। फिर भी हमने पूरी कोशिश की है कि
एक सधा हुआ दृष्टि में दिशा में ये चीज जाए। स्वामी जी, मैं शरद हूँ NDTV से। आपका जीवन पहले ही बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन है और केस स्टडी भी है। लोग देखते हैं कि किस तरह से आपने संघर्ष किया और यहाँ तक आप पहुँचे हैं। लेकिन अब जब सीरियल बनेगा और ये ग्लैमराइज होगा तो बहुत से लोग इससे और बड़े पैमाने पर आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। लेकिन आपसे जब इंस्पिरेशन लेंगे तो आप एक सन्यासी भी हैं, गेरुआ वस्त्र आप धारण करते हैं और आपने विवाह भी नहीं किया, तो क्या आप चाहेंगे कि आपको लोग 100% ऐसे ही आपसे इंस्पायर्ड हो जाएं या कुछ डाइल्यूशन करके, कुछ चेक एंड बैलेंस करके हो? देखो, मैं एक ठेठ देसी और शुद्ध सन्यासी हूं, लेकिन मैंने हमेशा ही धारा के विरुद्ध अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया। चाहे सामाजिक दृष्टि से देखो, सामाजिक दृष्टि से मुझे तो यह बहुत देर बाद एहसास हुआ कि जिस कुल में मेरा जन्म हुआ उसको लोग पिछड़ा कहते हैं। तो अपने चिर परिचित अंदाज में योग गुरु बाबा रामदेव डिस्कवरी के जी चैनल पर रामदेव एक संघर्ष नाम का टेलीविजन सीरियल 12 फरवरी से शुरू होने वाला है और बाबा रामदेव इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे हैं, भीष्म प्रतिज्ञा ली है, राजनीति में मैं कदम नहीं रखूंगा। बाबा रामदेव का यह बड़ा ऐलान अपने सीरियल के बारे में बात करने के बाद जब संवाददाताओं ने उनसे सवाल किया कि राजनीति को शुद्ध करने के लिए क्या बाबा रामदेव उतरेंगे, रामदेव ने साफ किया, मेरी भीष्म प्रतिज्ञा, राजनीति से मैं दूर रहूंगा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।